वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। ये क्यू टेस्ट आप सभी के लिए स्पेशल है, क्योंकि इस क्यू टेस्ट में हम आपसे पूछेंगे भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित लगभग 20 इम्पोर्टेंट सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से इस वीडियो क्यूज से एक सवाल आपके आगामी एग्जाम में जरूर पूछेगा, इसलिए आप इस क्यू टेस्ट को अंत तक जरूर खेलिए। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, धन्यवाद। पहला सवाल है, 2019 में कितने हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। और भारत रत्न एक बार में मैक्सिमम 3 व्यक्ति को ही दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत रत्न भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार यानी कि नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष में हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 जनवरी 1954 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, भूपेन हजारिका का जन्म 1926 में डैश के एक छोटे शहर में हुआ था। भूपेन हजारिका का जन्म 1926 में डैश के एक छोटे शहर में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम के एक छोटे शहर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, प्रणव मुखर्जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। क्वेश्चन नंबर 5, चंडिका दास अमृत राव देशमुख को नानाजी देशमुख के नाम से भी जाना जाता है, वे भारत के एक क्या थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक कार्यकर्ता। क्वेश्चन नंबर 6, अपने दिल हुम हुम करे और ओ गंगा बहती हो क्यों जैसे सदाबहार गानों के लिए प्रसिद्ध किसे बर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूपेन हजारिका को। इन्होंने लगभग 1000 गाना और 15 बुक्स लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 7, प्रणव मुखर्जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 8, टाइटल से पता चलता है नानाजी देशमुख का जन्म 11 अक्टूबर 1916 को किस राज्य में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 9, अब तक कितने हस्तियों को भारत रत्न मिला है 2019 को मिलाकर?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा 48। अब तक कितने हस्तियों को भारत रत्न मिल चुका है? तो 48 लोगों को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष में नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे, को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1990 में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत रत्न सबसे पहले किनको मिला था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, अर्थात एक बार में भारत रत्न 3 व्यक्ति को दिए जाते हैं। तो फर्स्ट बार जो दिए गए थे उनमें शामिल थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी एंड चंद्रशेखर जी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत रत्न की शुरुआत किसके द्वारा किए गए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शुरू किया गया, वे उस समय राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीपल के पेड़ के पत्ते के जैसा। क्वेश्चन नंबर 14, आप उन्हें पान के पत्ते के जैसा भी बोल सकते हैं। भारत रत्न पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? सही आंसर है एक भी रुपए नहीं, भारत रत्न पुरस्कार में कोई रुपए नहीं दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, उनके सुविधा बढ़ा दिए जाते हैं। भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शक्ति कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सचिन तेंदुलकर, जो प्लेयर हैं और प्लेयर के मामले में ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत रत्न अब तक किन दो गैर भारतीयों को दिए जा चुके हैं जो विदेशी थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफार खान और नेल्सन मंडेला को। क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी 17, भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कांग्रेस की न्यू अध्यक्ष कौन बने हैं, ये क्वेश्चन लेकर के आएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 18, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न 1955 में शुरू किया गया था, ये पुरस्कार किसे दिए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत दिए गए थे, इनकी मृत्यु रहस्यमय तरीके से हो गए थे। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्यू फॉर यू और इसका राइट आंसर। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने मित्र जनों में शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि वीडियो के सवाल बहुत अच्छे थे। और यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप अपने ज़रूरत के हिसाब से वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम जो हुए हैं उनमें जीके जीएस के सवाल हमारे वीडियो से लगभग 80% पूछे गए हैं।
तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी जो करते हैं कीजिए, साथ में हमारे जो वीडियो डेली अपलोड होते हैं उसे अवश्य देख लीजिए, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप जल्दी सफल होंगे, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर मिलते हैं। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।